अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं कोटडी जी। ये जनाब एंट्रेंस है, ये देखें जी आप दरवाजे देखें। ये उस टाइम बनाया गया था। आज के हमारे व्लॉग में हमारे साथ हैं अम्मार भाई, अवैस भाई और ये जी अकील भाई भी हमारे साथ हैं। ये जनाब किले में पहुंचते ही ये रास्ता है किले में ऊपर जाने का, इधर से ऐसे जाके फिर ऊपर जाके हम लोग आपको दिखाते हैं कि सीन क्या है। बाकी ये सारा किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। एक भाई किले का नीचे दरवाज़ा था, तो ये चढ़ाई चढ़ने के बाद ये सेकेंड गेट आ गया। सेकेंड गेट भी बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है। ये आप देखें फॉर द सिक्योरिटी रीजन कैसा दरवाज़ा बनाया हुआ था कि अगर बाहर से, पहले ये होता था ना कि हाथी वगैरह आते थे तो वो हाथियों से मार के दरवाजे खोलते थे पुराने ज़माने में। ये जनाब मंजनीक वगैरह लगी हुई है। ये इधर ही नीचे एंट्रेंस थी तो उधर ऊपर लगी हुई है कि अगर उस टाइम के लिहाज से वहाँ से हम हो के हैं कि अगर कुछ हमला वगैरह हो तो यहाँ से उसको कैटर किया जा सके। और ये जनाब किले के ऊपर से नज़ारे हैं। ये सारा नीचे गांव है, कोटडी जी गांव, अकील भाई का गांव। अकील घर तुम्हारा किधर है, किस जगह पे? वो अलम के पास, गुड है। ये सारा कोटडी जी है। और ये जो छोटे छोटे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये सब अरोड़ के पहाड़ जो उस टाइम पे थे ना, ये सारे वो पहाड़ हैं। बाकी ये सारा किला है। ये जनाब ऊपर पहुँचते पहुँचते हम लोग पहुँचे थर्ड गेट पर, और इधर इस तरफ आगे शायद कोई कुआं वगैरह था, वेल गेट। ये जनाब सेम तर्ज के दरवाजे बने हुए हैं और ये ऑलमोस्ट अभी हम किले के अंदर एंटर हुए हैं। सारे जो पहले एक गेट था फिर दूसरे गेट से आगे सिक्योरिटी पॉइंट्स वगैरह, और अभी ये किले के अंदर। ये जनाब मस्जिद और सिपा सालार की रिहाइश वगैरह, विक्ट्री गेट ऊपर। बाकी ये कुछ सीन है जी किले के, अभी तो बिल्कुल बंजर बन चुका है, लेकिन ये देखें आप रहने की फिर कमरे की धरती, लाइट रूम वगैरह, ये सारे बोर्ड पे लिखा हुआ है साथ साथ कौन कौन जगह किस जगह पे है। राशन जो गोदाम इधर अंदर, वो लोग अपने राशन वगैरह रखते थे उस टाइम पे। और ये चाय, अच्छा इस जगह पे लांदी थी जनाब पीने वाला पानी, इस जगह पे सीन थे वो वाटर टैंक। ये जनाब फिर वेल गेट आ गए, एक नीचे वेल गेट था, ये भी वेल गेट, और फिर मंजनी के उस दौर की तो नहीं लग रही है अभी तो, या शायद पॉलिश की है इन लोगों ने तो इसलिए इतनी चमक रही है। यू चाहो ये जनाब होज था पानी का उस दौर में। ये देखें जनाब तकरीबन ये कितने साल पुराना है, 1790 में आलमोस्ट साल पुराना ये किला जनाब बनाया था। और ये हमारे टूरिस्ट आज़ाद जो आते हैं देखें क्या हाल किए हैं लोगों ने, मंजनीक तोड़ कर रख दिए उस दौर में। देखें किस तरीके से बनाया गया, अभी तक मतलब उजड़ तो चुका है लेकिन अभी तक मौजूद है। ऊपर जाते हैं और फिर आपको नज़ारा दिखाते हैं ऊपर जाके क्या सीन है। ये जनाब किले के हम लोग अभी हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद हैं। ये सारा किला है उधर तक, और इधर इस तरफ ये सारा कोटडी जी गाँव, और इस तरफ हम देखें तो ये हाईवे जा रही है नवाब शाह की तरफ आगे जाती है, इधर से पीछे से ये सक्कर से आती है ठेड़ी से, हम लोग इसी रास्ते से हैं। और ये चूँकि अब सब लोगों को पता है कि ये जो खैरपुर का एरिया है ये खजूरों के लिए मशहूर है, तो इधर जितनी भी हम देख रहे हैं ना सारे खजूरों के बाग नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ भी मतलब हर तरफ खजूर के दरख्त हमें इस टाइम पर नज़र आ रहे हैं। बाकी हवा मज़ा करा रही है, वैसे तो ये इलाका अपनी गर्मी की शिद्दत की वजह से मशहूर है, लेकिन आजकल चूंकि मौसम बहुत अच्छा है, फेब का महीना भी चल रहा है, तो इस वजह से मतलब अभी मौसम नॉर्मल है। बाकी तो पंजाब वगैरह में तो अभी ठंड है, लेकिन इधर अभी आप अभी भी आप हमें देखें बगैर स्वेटर के हम लोग माशाल्लाह। ये चेक करें आप जनाब, ये किस्म का मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ था कि इधर से हर तरफ से देखा सिक्योरिटी की जा सकती है, इस तरफ से भी क्योंकि इस तरफ किले का एंड है, इस तरफ से भी। बाकी इधर से पूरे किले का व्यू नज़र आता है, वो सामने किले का गेट है
और उस तरफ आगे जाके भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सीन है। और अगर आप ये लोग देखें तो ये सारा किला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, मतलब जो साइड पे घर वगैरह है ना वो सारे नीचे बने हुए हैं इस किले की निस्बत। ये जनाब मैंने भी एक चीज़ पे गौर किया है तो पता चला है ये सारा जो किला बना हुआ है ना ये मिट्टी का बना हुआ है, मतलब इसके अंदर उस टाइम पे कोई सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया गया। ये सारी हम अगर जगह पे देखें तो ये जितना भी किला बना हुआ है ना उस टाइम पे क्योंकि सीमेंट वगैरह का कंसेप्ट भी नहीं था तो मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप तकरीबन देखें तकरीबन इसको 200 से 230 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक ये मतलब सलामत है, अपनी जगह पे बना हुआ है ये सारा। ये जनाब अगर अभी मेरी नज़र पड़ी है चीज़ पे इमरजेंसी गेट, मतलब ये उस टाइम भी कॉन्सेप्ट था जैसे आजकल हम लोग बनाते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स में आता है कि हर भी बिल्डिंग वगैरह में होना चाहिए एक इमरजेंसी गेट, तो उस टाइम भी 200 साल पहले भी इमरजेंसी गेट बनाया गया था कि अगर कुछ हो जाए ऐसे मामला जैसा कि जंग वगैरह की सूरत हो जाती है तो यहाँ से भाग जाओ। ये जनाब हम मस्जिद दिखाते हैं आपको ऊपर के मस्जिद कैसी बनी हुई थी, साथ में फैक्ट्री टावर भी लिखा हुआ है तो ऊपर जाके देखते हैं जनाब। कौन सी वाली मस्जिद थी? ये मस्जिद थी। ये जनाब मस्जिद थी, अभी तो कुछ भी नहीं रहा मस्जिद का, बस ये मेहराब टाइप एक नज़र आ रहा है और विक्ट्री टावर शायद यही होगा, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि विक्ट्री टावर कौन सा था। अकील विक्ट्री टावर कौन सा है? फतेह जो ये फतेह का है ये फतेह। अच्छा इसके ऊपर वो आलम पाक भी लगा हुआ है। ये जनाब हरम का कॉन्सेप्ट उस दौर में था, ये शाही किचन, अभी तो किचन की जगह कुछ भी नहीं बचा। और ये वो जगह थी जहाँ पे मीर रहते थे। आजकल के दौर में कंपेयर किया जाए तो हम इनसे अच्छी जगहों पे रहते हैं, लेकिन आप कंपेयर करें कि उस दौर में ये उनके लिए महल हुआ करता था कि ये जनाब अंदर से आप देखिए ये मीरों की रिहाइश। अभी तो गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ये किला आप देख सकते हैं कि जबूहाली का शिकार है। ये किले के अंदर फिर ये जो मीरों की रहाइश है जगह फुल, मतलब इसकी तकरीबन 8 से 10 फुट की दीवार, 10 फुट की तकरीबन दीवार है किले के अंदर भी जहाँ पे ये मीरों का रहाइश का जगह बनी हुई है सारी। ये जनाब सोल्जर असम्बली पॉइंट और ये फिर मंजनी, क्या आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ पड़ा है मंजनीकों का। मुझे लग तो सच्ची बात बताऊं तो नहीं कि उस दौर की ये मंजनीकें होंगी, लेकिन चलो मान लेते हैं कि उसी दौर की थी। अंदर से भी बंद पड़ी है अभी तो, वैसे तो होता है इसका सिस्टम होता है सिस्टम। यो छाए अकील, यो छाए। अच्छा अभी फंक्शन वगैरह मतलब जो इधर होते हैं, अभी कल्चर डे पे भी इधर अंग्रेज़ वगैरह आए हुए थे तो जो वीडियो वायरल बहुत हुई पड़ी थी वो इस जगह की थी जनाब, कि इस जगह पर सारा फोक सिंगिंग वगैरह होती है और आके अगर कोई बाहर से इंटरनेशनल टूरिस्ट वगैरह है तो वो एंजॉय करते हैं। ये जनाब गुसल खाने उस दौर के सिपाहियों की बैरक, मतलब सिपाहियों की बैरक उनके रहने की जगह, और ये सामने जेल खाना जो भी उस टाइम पकड़ा जाता था जनाब जेल में डाल दिया जाता होगा। अकील जेल खाना अंदर है, ये नीचे जेल खाना है। ये जनाब जेल खाना, ये तो जेल खाना कम और काल कोठड़ी ज़्यादा लग रही है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी भूल भलियाँ ही है सारी। ये किस चीज़ का रास्ता है अभी? अच्छा इधर भी एक वो सिक्योरिटी टावर वगैरह जैसा बना हुआ है, जैसे स्टार्ट में हम लोग उधर गए थे ना, ये भी छोटे छोटे बने हुए हैं। किलर की बैरूनी दीवार है और ये फिर किले की अंदरूनी दीवार है, तो ये दरमियान में शायद जगह होगी उनके लिए, सिपाहियों के लिए जो ड्यूटी पे मामूर होते होंगे उस टाइम पे कह सकते हैं हम। और इधर से देखते हैं जी क्या नज़ारा आता है। हेलो अदा जनाब, फिर वही इधर से हाईवे, और पहले हम लोग उस जगह पे थे जो पहले मैंने आपको दिखाया ना, अभी हम लोग थोड़ा इधर पहुँच। ये जनाब अभी हम लोग इंटर हो चुके हैं शाही तख्त, आगे है इस तरफ, देखते हैं जी उस दौर का शाही तख्त कैसा था। अदालत वारो दरवाज़ो,
ये जरा दरवाजा ही है, आगे तो अल्लाह का नाम ही है, कुछ भी नहीं है आगे। ऊपर मेरे सामने शाही तख्त, ये जनाब उस दौर का था शाही तख्त। अभी ये भी जबुआली का शिकार है, टेकें दे के इसको जनाब वाला मेंटेन किया हुआ है। मेंटेन क्या मतलब, खड़ा ही किया हुआ है, मेंटेन तो नहीं बोल सकते इसे। ये ऊपर से बीच में से सरिया वरिया नज़र आ रहे हैं। मज़े की बात है, उस दौर में भी सरिए होते थे जो उन्होंने छत बनाए हुए। और ये ऊपर नहीं जा सकते हम, ये भी एक किस्म का टावर ही समझ लें, लेकिन ऊपर मेरे ख्याल से कोई काम वगैरह चल रहा है। यार मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना कि ये जो मंजनीकियाँ मुझे पुरानी नहीं लग रही, ये इधर अभी हमने पूछा तो हम पता चला ये सारी नई आई हैं और ये लोग अभी फिट कर रहे हैं। ये ऊपर जो सिस्टम कर रहे हैं उसे, ये जो मंजनीकियाँ यही उधर अंदर शिफ्ट करेंगे, उस वही सिस्टम कर रहे हैं। तो मंजनीकों की हालत देख के लग रहा था कि 200 साल तो ये मतलब सस्टेन ही नहीं कर सकती ना। ये जनाब था किले का लास्ट पॉइंट, ये सारा किला हम लोग घूमे, आपको भी घुमाया। ये था जनाब हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट किया सब्सक्राइब कर लो। और आजकल की वीडियोस में आप देख रहे होगे कि हमारी हर वीडियोस में हमारे साथ अमार भाई मौजूद होते हैं। और ये भी एक होता है, हर दफ़ा प्रोग्राम मतलब आने से पहले पक्का ये बंदा प्रोग्राम कैंसिल करता है और फिर चल पड़ता है ना ऐसे रोनी सी शक्ल बना के। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो गई किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।